अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे चैनल पब्लिक न्यूज़ लाइव पे। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इमाम साहब ने पुलिस अफसरान पर इल्ज़ाम लगाया है मारपीट का, और दूसरी तरफ योगी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखिए। इससे पहले आप हजरात से अपील करता हूँ कि जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह व सौ जज़ा। वीडियो समाप्त फरमाइए। अरुण सिंह, मैं इमाम नई मस्जिद मोहल्ला तुर्कमानपुर, मैं नमाज पढ़ा करके लोग चले गए थे, मैं तिलावत कर करके 1200 मुक्तदी, जब 150 जो 50 मुक्तदी रहते हैं वो चले जाते हैं तो मैं मस्जिद बंद करके जाता हूँ। मैं और मेरा मुअज्जिन, मैं निकल रहा था मस्जिद से, चौकी इंचार्ज अरुण सिंह पांडे आता चौकी इंचार्ज, जो कि मुझे इन्होंने एलबेदे के दिन भी जान से मारने की धमकी टेलीफोन पे दिया था, जो मेरे मोबाइल के अंदर ऑन रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्डिंग। वो ये नहीं समझ रहा इस मोबाइल में रिकॉर्ड है। इन्होंने डायरेक्ट मुझको माँ बहन की गाली देते हुए मेरे कॉलर को पकड़ करके खींचना शुरू किया मस्जिद के अंदर पे। मैं बीच बचाओ चिल्लाना शुरू किया, इन्होंने कहा मैं साले तुमको गोली मार दूंगा और गोली मार करके मैं तुमको जो है शहर में एक फसाद करा दूंगा, तुम साले गुंडे ही कर रहे हो। अगर ये अरुण सिंह, ये अरुण सिंह अगर सस्पेंड नहीं हुए, क्योंकि ये हमारे शहर मुख्यमंत्री का शहर है, योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री का शहर है, ये मेरे शहर को बदनाम करने की साजिश है, ये मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश ये अरुण सिंह रच रहा है, जो कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर आकर के इमामों को टारगेट कर रहा है, खास तौर से इमामों को टारगेट कर रहा है इस शहर के अंदर। ये अरुण सिंह दिमाग से साइको लगता है, ये पागल लगता है, इसका इलाज कराना चाहिए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।